नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां लववंशी लोधा युवा संगठन व लोधा युवा शक्ति द्वारा अमखेड़ा धार में स्थित लोधा समाज धर्मशाला में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें कक्षा 10वीं के 35 विद्यार्थी व 12वीं के 12 विद्यार्थी का सम्मान हुआ। लोधा समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन धार में लोधा समाज धर्मशाला में किया है। आयोजन में जिला धार से लोधा समाज धार के वे प्रतिभावान विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 10वीं व 12वीं में 75% या उससे अधिक प्रतिशत प्राप्त कर अपने माता पिता व समाज का गौरव व मान सम्मान बढ़ाया है, ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित किया है व उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जयंत जोशी, सेवानिवृत्त सहायक संचालक प्राचार्य डाइट धार व भरतराज राठौर, शिक्षा अधिकारी जनपद शिक्षा केंद्र धार एवं विशेष अतिथि के रूप में सत्यनारायण लववंशी, क्षत्रिय लोधा लववंशी समाज प्रदेश अध्यक्ष, रामगोपाल लववंशी लोधा समाज शिक्षा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष व लोधा समाज सामूहिक विवाह समिति, शिक्षा समिति, महिला संगठन, युवा शक्ति धार उपस्थित रहे। धार से रोशन रंगनोदिया की रिपोर्ट। हम लोग धार द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 का आयोजन रखा गया, जिसमें कुल 48 प्रतिभावान छात्र छात्राएं शामिल हुए, उनका हमारे द्वारा सम्मान किया गया और आगे मोटिवेट उनको क्या करना चाहिए, उनके द्वारा हमारे वरिष्ठ द्वारा हमारे मुख्य अतिथि द्वारा प्रेरणा ली है कि आगे आपको क्या करना है। मेरा नाम लोधा लखन पटेल, लोधा संगठन जिला अध्यक्ष।